बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित जिला पेंशन शाखा में पदस्थ सहायक पेंशन अधिकारी को 19,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त पुलिस ने यह कार्यवाही सहायक ग्रेड 2 जिला शिक्षा अधिकारी पाटन में पदस्थ कर्मचारी की शिकायत पर की है। 7वें वेतनमान के अनुमोदन हेतु मांगी थी रिश्वत। जबलपुर लोकायुक्त निरीक्षक स्वप्निल दास ने बताया कि जिला शिक्षा विभाग पाटन में पदस्थ रवि मिश्रा सहायक ग्रेड 2 से 7वें वेतनमान आयोग के अनुमोदन के लिए 38 सेवा पुस्तिका हेतु प्रति पुस्तिका 500 रुपए के हिसाब से 19,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत रवि मिश्रा ने जबलपुर लोकायुक्त SP से की। रुपए लेते ही पकड़ गए सराफ साहब। जी हां, रवि मिश्रा की शिकायत पर लोकायुक्त निरीक्षक स्वप्निल दास ने अपनी टीम के साथ जाल बिछाया और सहायक पेंशन अधिकारी चैतन्या सराफ को 19,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त ने पेंशन कार्यालय में ही सहायक पेंशन अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान यह रहे मौजूद। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने सहायक पेंशन अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अब उसकी संपत्ति पर भी जांच करेगी। कार्यवाही के समय निरीक्षक स्वप्निल दास, भूपेंद्र दीवान, राजेश पटेल, दिनेश दुबे मौजूद रहे। दिनांक 31/8/2021 को प्रार्थी रविंद्र कुमार मिश्रा सहायक ग्रेड 2 DO कार्यालय पाटन ने एक लिखित शिकायत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत होकर किया कि 7वें वेतन आयोग के अनुमोदन हेतु कुल 38 शिक्षकों के सेवा पुस्तिका में अनुमोदन होना था, जिसमें सहायक पेंशन अधिकारी पेंशन कार्यालय जबलपुर में पदस्थ श्री चेतन सराफ के द्वारा 500 रुपए पर पुस्तिका के हिसाब से 19,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एक टीम का गठन किया गया और आज दिनांक को लोकायुक्त टीम जबलपुर के द्वारा श्री चैतन्य सराफ को 19,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।